brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। माहौल चुनावी है और चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। सियासतदान हो या सियासी दल, हर किसी के पास अपने लिए करो या मरो की स्थिति पहुंच चुकी है। लेकिन अमूमन मैं आपके सामने राजनीति की बातें कम, अपराध की दुनिया की तमाम खबरों को लेकर आता हूं। और इसी कड़ी में आज एक ऐसे दो माफियाओं की कहानी लेकर आया हूं जो कभी दोस्त थे लेकिन आज जानी दुश्मन, और इस सियासी माहौल में उनका अपना वजूद है। उनको उत्तर प्रदेश की सियासत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 90 के दशक में दोस्त रहे धनंजय सिंह और अभय सिंह। धनंजय सिंह और अभय सिंह आज एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। धनंजय सिंह का आरोप है कि अभय सिंह उनकी जान लेना चाहता है, और अभय सिंह कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर धनंजय सिंह उसकी जान लेने की कोशिश में है। क्या है इन दो दोस्तों की दुश्मनी की कहानी, वही आपको आज तफसील से बताने आया हूं। साल था 1990 या दशक 90 के दशक में, जब छात्र राजनीति लखनऊ विश्वविद्यालय में चरम पर थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता की हैसियत किसी विधायक से कम नहीं होती थी। उन दिनों जौनपुर के तीन लड़के लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। नाम था धनंजय सिंह, अभय सिंह और विनोद उपाध्याय। तीनों का जौनपुर से कनेक्शन था। धनंजय सिंह जौनपुर के ही रहने वाले थे, अभय सिंह का ननिहाल जौनपुर में था और विनोद उपाध्याय का भी जौनपुर से कनेक्शन था। इस जौनपुर की तिगड़ी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपनी धमक को बढ़ाना शुरू कर दिया, और धमक बढ़ाने के लिए छात्र राजनीति में कद बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। तो धनंजय सिंह ने विनोद उपाध्याय को लखनऊ विश्वविद्यालय के महामंत्री पद का चुनाव लड़वा दिया। लेकिन अभय सिंह इस चुनाव में विनोद उपाध्याय के बजाय खुद चुनाव लड़ना चाहता था। अभय सिंह का नाम अब तमाम आपराधिक घटनाओं में आ चुका था, लिहाजा उसके लिए जरूरत थी कि एक ऐसे राजनीतिक चोले की, एक राजनीतिक कवच की, ताकि पुलिस हर किसी घटना में अभय सिंह का नाम लेकर रात बिरात उसको उठा ना ले, दबिश ना दे दे, पकड़ने का कम से कम खौफ खत्म ना हो तो कम से कम कम जरूर हो जाए। लेकिन विनोद उपाध्याय चुनाव हार गया। लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच की ये दोस्ती लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ लखनऊ के तमाम ठेकों और स्क्रैप के कारोबार में इतनी धमक बना चुकी थी कि तमाम व्यापारी, तमाम जो स्क्रैप के कारोबारी थे, या यूं कहा जाए कि स्क्रैप माफिया थे, वो तक कट इनको देने लगे। अब सवाल ऐसा कि जब दोनों के बीच दांत काटी रोट दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के साथ चलते थे, हर घटना में दोनों का साथ नाम आता था, तो वजह क्या थी कि दोस्त दुश्मन बन गए? तो तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने छात्र नेता और उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम अधिकारी इनके बीच की कहानियों की दो ही वजह बताते हैं, और वो वजह थी आर्थिक और उसके साथ राजनीतिक वजूद को बड़ा करने की ललक। अभय सिंह एक पुराने मामले में जेल चला गया, तो उसके बाद धनंजय सिंह को भी फरारी काटनी पड़ी। इसी बीच में धनंजय सिंह के ऊपर 50,000 का इनाम हो गया, लेकिन उसका नेक्सस लगातार लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में बढ़ने लगा, और यही वजह थी कि कहा गया कि जो गुंडा टैक्स आता था वो धनंजय सिंह के पास पहुंचने लगा और अभय सिंह को वो हिस्सा कम मिलने लगा। अभय सिंह के जो करीबी दोस्त थे लखनऊ जेल में जाकर अभय सिंह के कान भरने लगे कि धनंजय जो कमाई हो रही है उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख रहा है और हमको कुछ ही पैसे मिल रहे हैं। यहां से दोनों के मन में खटास आनी शुरू हुई, लेकिन मामला एक ठेकेदार की हत्या और फिर अभय सिंह के एक रिश्तेदार की हत्या से बिगड़ गया। लखनऊ के इंदिरा नगर में एक बीएसएनएल के ठेकेदार मनीष सिंह की हत्या हुई।
कहा गया कि मनीष सिंह को करोड़ों का एक ठेका मिला, वो अभय सिंह का करीबी था या अभय सिंह का रिश्तेदार भी बताया गया दूर का। अभय सिंह ने उसको ठेका दिलवाया, लेकिन धनंजय सिंह चाहते थे कि मनीष सिंह के इस करोड़ों के ठेके में उसका भी एक आदमी पार्टनर बन जाए। अभय सिंह ने सीधे से मना कर दिया, और जब सीधे अभय सिंह ने मना कर दिया तो मनीष ने धनंजय सिंह के लोगों के साथ बदजुबानी करने लगा और उनको बैरंग लौटा दिया गया। जब वो साइट पर पहुंचे पार्टनर में कमाई में कट मांगने के लिए, यह बात इतनी बढ़ी कि मनीष सिंह की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कहा गया कि इस हत्या के पीछे धनंजय सिंह का हाथ था, लेकिन वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो कभी साबित नहीं कर पाई। चर्चाएं इस तरीके की तमाम रही। इसके बाद अभय सिंह के करीबी रिश्तेदार की फैजाबाद के सरायराशी के रहने वाले संतोष सिंह की हत्या ने इन दोनों की दोस्ती में दरार को और बढ़ा दिया। लेकिन इस हत्याकांड में एक और करैक्टर बहुत महत्वपूर्ण था, नाम था गुड्डू मुस्लिम। जी हाँ, वही गुड्डू मुस्लिम जो अतीक अहमद का बमबाज था, जिसने प्रयागराज को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में बम ऐसे बरसाए कि उमेश पाल उसके दो गनर की जान चली गई, और वही गुड्डू मुस्लिम जो आज भी चुनौती बन गया है UPSTF और प्रयागराज पुलिस, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के हर राज्य में खाक चान चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला। गुड्डू मुस्लिम का भी जौनपुर से कनेक्शन था। मूलतः गुड्डू मुस्लिम जौनपुर का रहने वाला था। गुड्डू मुस्लिम जौनपुर के कनेक्शन से अम्बेडकर नगर के रहने वाले एक बाहुबली ठेकेदार, दबंग ठेकेदार सत्येंद्र सिंह लंगर का भी करीबी था। सत्येंद्र सिंह लंगर के करीबी होने के चलते वो अमूमन गुड्डू मुस्लिम की गाड़ी में बैठता था, उनके साथ आना जाना था। और वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह के जो गांव के बगल में सरायराशी गांव है, वहां का रहने वाला संतोष सिंह था। संतोष सिंह एक नौजवान लड़का था जिसके पास अपनी गाड़ी थी, अपनी राइफल थी। उस जमाने में कार होना एक बड़ी बात होती थी, संपन्नता की निशानी होती थी, और संतोष सिंह को माफिया बनने का, या कहा जाए कि क्राइम वर्ल्ड का एक ग्लैमर उसको चकाचौंध कर रहा था। यही वजह थी कि वो गुड्डू मुस्लिम कभी सत्येंद्र सिंह लंगर और अभय सिंह के करीबी हो गया, उनके साथ घूमने जाने लगा। एक बार गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह लंगर के साथ अम्बेडकर नगर से चला, उसकी कार में बैठा था, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक से गुड्डू मुस्लिम उतरता है, अपनी कार बदलता है, पीछे आ रहे संतोष सिंह की गाड़ी में बैठ जाता है। सत्येंद्र की गाड़ी जैसे ही 100 मीटर के करीब आगे बढ़ती है, आगे श्री प्रकाश शुक्ला इंतजार कर रहा था, और उसने सत्येंद्र सिंह लंगर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। कहा गया कि इसमें मुखबिरी में संतोष सिंह और गुड्डू मुस्लिम दोनों ही मुखबिरी का शक हुआ, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए एक दूसरा दांव चला। सत्येंद्र सिंह लंगर अम्बेडकर नगर के आसपास के तमाम बड़े ठेकेदारों के, खास करके क्षत्रिय ठेकेदार और अफसरों के बेहद करीबी थे, लिहाजा वहां पर उनका एक छत्र राज चलता था, चाहे वो ठेका PWD का हो, नहर का हो, सिंचाई का हो, या फिर टेलीफोन की लाइनें बिछाने का BSNL के द्वारा जो ठेके दिए जा रहे थे। सत्येंद्र सिंह लंगर की हत्या के बाद से एक क्षत्रिय की एक लॉबी जो धनंजय सिंह की करीबी थी, कहा गया कि वो नाराज हो गई। इसी बीच में गुड्डू मुस्लिम और संतोष सिंह जो पीछे कार में चल रहे थे, उन पर मुखबिरी का शक हुआ, और गुड्डू मुस्लिम ने फिर कुछ दिन बाद संतोष सिंह को एक फोन कर फैजाबाद से लखनऊ बुला लिया। संतोष सिंह से लखनऊ बुला करके वहां पर एक गेस्ट हाउस में बुलाया गया, एक गेस्ट हाउस में रुकता था जहां पर गुड्डू मुस्लिम का अड्डा होता था। कई बार वो उस गेस्ट हाउस में रखा, लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार के द्वारा वो गेस्ट हाउस उनका गेस्ट हाउस था, वहां पर वो रुकता था। वहां पर संतोष सिंह को लाया गया और संतोष सिंह की कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया गया, लेकिन संतोष सिंह की लाश को सुल्तानपुर हाईवे पर गाड़ी के साथ फेंक दिया गया, एक्सीडेंट का रूप दिया गया, ताकि पता चले कि संतोष सिंह एक्सीडेंट में मारा गया, ना कि कोई हत्या हुई। संतोष सिंह की इस हत्या से अभय सिंह ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि संतोष सिंह उसका करीबी भी था, और अभय सिंह को लगता था कि संतोष सिंह सिर्फ निर्दोष था, उसका कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ उसके रिश्तेदारी के चक्कर में वो उनके साथ चलता था, जिसको एक बेगुनाह लड़के को मार दिया गया। बात यही नहीं थमी, 2002 आते आते धनंजय सिंह और अभय सिंह को राजनीतिक कद बढ़ाना था। धनंजय सिंह राड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और उसके बाद वो विधायक हो गए, माननीय हो गए।
लेकिन अभय सिंह ने भी चुनाव लड़ा लेकिन राजनीतिक हैसियत नहीं बन पाई, वो चुनाव हार गए। संतोष सिंह की हत्या के बाद दोनों दोस्तों के बीच तनातनी की शुरुआत हो गई। अभय सिंह लखनऊ जेल में रहकर मुख्तार अंसारी का करीबी हो गया, मुख्तार अंसारी के तमाम लोग उसके साथ उठने बैठने लगे। इसी बीच में लखनऊ में राजभवन के सामने आर के तिवारी हत्याकांड हुआ, लखनऊ के जेलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसमें मुख्तार अंसारी और अभय सिंह को नामजद किया गया। लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती में गोलियों की तड़तड़ाहट तब गूंजी जब विधायक बनने के बाद 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास जब धनंजय सिंह अपने करीबी की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहां पर देखने जा रहे थे कि तभी अभय सिंह और उनके साथ काफिले से आए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कहा जाता धनंजय सिंह को भी 2 गोली लगी और उसके गनर को भी गोली लगी। इस शूटआउट में धनंजय सिंह की तरफ से अभय सिंह और समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कराई। अभी इस केस में फैसला आना बाकी है। अभय सिंह तमाम लोग आरोपी बनाए गए, मामला अंडर ट्रायल है। 2002 से एक दूसरे के बीच गोलियां चलने लग गई थी और उसके बाद बसपा शासनकाल आया। वक्त वो था जब लखनऊ में NRHM को लेकर CMO की हत्या हो रही थी और विनोद आर्या हत्याकांड पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें अभय सिंह का नाम आया। अभय सिंह उस समय जेल में था। जेल में रहते हुए अभय सिंह ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए CBI जांच की मांग कर दी और कहा कि मेरा नाम सिर्फ धनंजय सिंह के कहने पर, चूंकि बसपा सरकार थी, बसपा के सांसद थे, तो उन्हीं के कहने पर मेरा नाम लाया जा रहा है। CBI जांच में भी अभय सिंह की भूमिका नहीं पाई गई, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शहमात का खेल दोनों दोस्तों से दुश्मनी बन चुके धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच चलता रहा। 2022 आया तो हाल ही के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह के काफिले पर जब वो प्रचार कर रहे थे तो एक बार हमला हुआ और हमले के बाद दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा एक नौजवान लड़के को उठाया गया, अयोध्या से दिव्यांश नाम के लड़के को उठाया गया। कहा गया, अभय सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया कि दिव्यांश को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन था। लॉरेंस बिश्नोई धनंजय सिंह के करीबी, अभय सिंह ने आरोप लगाया और दिव्यांश और लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों के जरिए धनंजय सिंह अभय सिंह की हत्या करवाना चाहता है। अब जब धनंजय सिंह को बीते मार्च महीने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने के मामले में जौनपुर के MP MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने बीते शनिवार को यानी 3 दिन पहले ही जब धनंजय सिंह को जमानत दे दी, हालांकि उनकी सजा बरकरार है, लेकिन उसी दिन धनंजय सिंह की जेल बदल दी गई। धनंजय सिंह की जेल जौनपुर से बरेली ट्रांसफर कर दी गई। जब जेल बदलने का फरमान आया तो BSP से चुनाव लड़ रही धनंजय सिंह की पत्नी शिकला रेड्डी ने अपने पति की जान को खतरा बताया। शिकला रेड्डी ने साफ तौर पर कहा कि उनके पति की जान को खतरा है, उनके पति की कुछ लोग जान लेना चाहते हैं, उनके ऊपर हमला हो चुका है, AK-47 से हमला हो चुका है। सीधे से शिकला रेड्डी का इशारा अभय सिंह की तरफ था। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि अभय सिंह का भी जौनपुर से कनेक्शन था और अभय सिंह जब अगले ही दिन जौनपुर पहुंचते हैं तो वो सीधे से कहने लगते हैं कि धनंजय सिंह का लॉरेंस बिश्नोई से सीधा रिश्ता है, धनंजय सिंह खुद अपने आप में माफिया है। आरोप प्रत्यारोप दोनों दोस्तों के बीच लगने लगे। इस राजनीतिक माहौल में जौनपुर की सीट सबसे हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने मलानी सीट से चुनाव लड़ा, JDU के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए। 2009 में सांसद बनने के बाद धनंजय सिंह कोई चुनाव नहीं जीते, 2022 का चुनाव मलानी सीट से हारे। उसके बाद से ही वो लगातार जौनपुर में अपने लिए एक तरीके से माहौल बना रहे थे, जौनपुर के लोगों के बीच वो घूम रहे थे, जौनपुर के एक बेटे की तरह, जौनपुर के नौजवानों में भाई की तरह वो काम कर रहे थे। यही वजह थी कि 2024 में जब अब लोकसभा चुनाव की दस्तक दी जाने लगी तो धनंजय सिंह भी, चूंकि JDU के वो राष्ट्रीय महासचिव थे, तो कहा जाने लगा कि धनंजय सिंह जौनपुर सीट से प्रत्याशी होंगे, चुनाव लड़ेंगे। उनके राजनीतिक गतिविधियां भी कह रही थी कि इस बार लोकसभा चुनाव धनंजय सिंह लड़ेंगे।
बिहार में घटनाक्रम हुआ, नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में आ गए, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जेडीयू के हिस्से में बीजेपी जौनपुर की सीट छोड़ेगी। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब बीजेपी ने जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले मुंबई के व्यवसायी कृपा शंकर सिंह को पैराशूट लैंडिंग करा करके जौनपुर में प्रत्याशी घोषित कर दिया। कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी घोषित करने के बाद ही धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया, एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया, लड़ेगा जौनपुर, बढ़ेगा जौनपुर, यानी कि फाइट करने के ऐलान कर दिया। यानी धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, ये इत्तेफाक था या धनंजय सिंह के अनुसार राजनीतिक साजिश कि उनको अगले ही दिन नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। ये अलग बात है कि एक बार फिर धनंजय सिंह ने बसपा का दरवाज़ा खटखटाया और बसपा ने जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा है। तो अब एक बार फिर जौनपुर की सीट साग का सवाल बन गई है। बीएसपी के टिकट पर श्रीकला रेड्डी है, बीजेपी के टिकट पर कृपा शंकर सिंह, लेकिन पीछे अभय सिंह। ऐसे में एक बार फिर ये दोस्त आमने सामने है। यूपी तक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।